हर एक आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कवर पेज पे आना मैगजीन के. सो मेरी लाइफ में ये टाइम जल्दी ही आ गया एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड यू कैन सी द मैगजीन कवर. आई लाइक इट. आप लोग भी अपने व्यूज़ दीजिए कैसा है एंड आई एम वेरी हैप्पी. फिल्म का मैगजीन हुआ एवी वी मैगजीन मतलब जितनी भी मैगजीन की आप बात करें मैं चाहूँगी एक एक बार करके मैं सबके मैगजीन्स पे आऊँ. सब मैगजीन्स पे मेरा कवर फोटो हो और जब भी मैं किसी एक्ट्रेस का फोटो देखती थी सो आई विश कि मेरा फोटो भी जल्दी आए. नाउ टुडे इज़ द टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर मैगजीन ले लीजिए या फिर इंटरनेट ले लीजिए. सबसे पहले अगर मैं न्यूज़ किसी की खोलती हूँ तो होता है बॉलीवुड और वही चीज़ मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग होता था देखने में पढ़ने में और आज मैं वही हूँ अपने सपने को जी रही हूँ. रश्मि ये आप तो गुड गर्ल हैं लेकिन ये बैड वर्ल्ड है बॉलीवुड का तो क्या कहना चाहेंगे कि कामयाबी पाने के लिए जो ग्लैमर कोशेंट होता है जो एक्सपोजर होता है वो कितना जरूरी होता है? आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड वर्ल्ड. डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं कैसे काम करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है. और अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हर इंडस्ट्री में है चाहे वो बॉलीवुड ले लीजिए कॉर्पोरेट ले लीजिए गवर्नमेंट ले लीजिए डिपेंड्स ऑन पर्सन. और मेरे लिए तो हमेशा अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा.